उस मरियम की वजह से रोज कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो जाती है। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी ना समझिए। मरियम की बेइज्जती करने की इजाजत मैं किसी को नहीं दूंगा, आपको भी नहीं। माँ और बहनें भी तुम्हारी अपनी हैं, कभी भूल के उनका भी ख्याल रख लिया करो। अल्लाह, ये मरियम का अज़ाब कब हमारे सर से टलेगा। भाई समरा बेटा, तुम्हारे मशवरे से बनने वाला मरियम ट्रस्ट, उसका कल इफ्तिताह है और मुझे इस मामले में भी तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी। That's great, Dad. मुझे भी कोई एक्टिविटी मिल जाएगी। नाइस। Dad, समरा इज जस्ट अ हाउसवाइफ, बिजनेस की नो हाउ कहाँ से? So what? After all, समरा माशाल्लाह बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और मुझे यकीन है कि बात अच्छी तरह से टैकल कर लेगी। जी जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में बड़ा फर्क है। सब कुछ संभाल लेगी हमारी बहू, और वैसे भी आजकल की औरत पहले से ज्यादा बहुत ज्यादा बाशऊर है। माय प्लेजर डैड, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कोई शिकायत ना हो। अब ओके, बट समरा देखो, ये ट्रस्ट संभालने के लिए तुम्हें अपना ये जो सोशल सर्कल है ये छोटा करना पड़े, बल्कि शायद ख़त्म ही करना पड़ता है। अरे मियाँ, सब कुछ संभाल लेगी हमारी बहू, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि समरा बेटा, तुम्हारी मदर इन लॉ के नाम पे जो NGO है ना, तुम उसे भी संभाल लो। और डैड, मुझे लगता है कि इस NGO के लिए मेरे जो ये सोशल सर्कल है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा, तुम्हारी रूट्स मजबूत नहीं होने दूंगा मैं। मेरे सवाल का जवाब भी नहीं है तुम्हारे पास। मुझे बताओ ज़िशान, क्या मेरे बाद मेरा बेटा भी ऐसी जिंदगी गुजारेगा? बोलो ज़िशान। जाओ यहाँ से मरियम। इतनी तंग आ चुके हो तो एक बार कह क्यों नहीं देते कि मैं तुम्हारी जिंदगी से ही चली जाऊं? हाँ हाँ, निकल जाओ मेरी जिंदगी से। जान क्यों नहीं छोड़ देते तुम मेरी? प्लीज लीव मी अलोन, जाओ यार। जी, यहाँ पे राहिला रहती थी और मोहसिन साहब भी करीब 8-10 साल पहले। राहिला की तो शादी हो गई थी और मोहसिन साहब का ट्रांसफर तो इस्लामाबाद हो गया है। अच्छा, उनका कोई एड्रेस मिल सकता है, कोई कांटेक्ट या रिलेटिव रिसोर्स? ये सब कुछ आप क्यों पूछ रही हैं? मैं अमेरिका से आई हूँ, उनकी दोस्त हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ। राहिला की कज़न ने ये घर रेंट आउट किया था, उनका कॉन्टैक्ट है मेरे पास, अगर आपको चाहिए तो मिल जाएगा। जी जरूर। वो बैंक में जॉब करते हैं, उन्हीं के बैंक में मेरा अकाउंट है और उनका कॉन्टैक्ट। एक मिनट। जी मुराद साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठीक
फोन करने की जहमत इसलिए की थी कि राहिला जो आपकी कजन है उनकी फ्रेंड आई है मेरे पास और एड्रेस पूछ रही हैं। डैड मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ आ जाओ। डैड एडवोकेट साहब मुझे बता रहे थे कि आपने अपनी आधी प्रॉपर्टी समरा के नाम लिख दी है। तो बेटा तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरी नजर में तुम्हारी बीवी की इज्जत और मकाम सगी औलाद से बढ़कर है। प्रॉपर्टी पर हक औलाद का होता है, औलाद जैसी का नहीं। सगी औलाद को तो मैं खो चुका हूं। अब यह है कि तुम दोनों के बीच पैदा होने वाली रंजिशों की वजह से मैं समरा जैसी बेटी को खोना नहीं चाहता। वैसे लाइफ पार्टनर्स के बीच डिस्टेंसेस पैदा नहीं होना चाहिए। मेरे और समरा के बीच में इख्तलाफात चल रहे हैं आप अच्छी तरह जानते हैं, और ये जानते हुए भी आपने अपनी जिंदगी का सारा असासा अपनी बहू के नाम लिख दिया। इसलिए कि मेरा ये इकदाम तुम्हारे और समरा के बीच रिश्ते को जोड़े रखने के लिए एक जंजीर जैसा काम करेगा। साथ रहने से ज्यादा जरूरी है खुश रहना। आपने तो जबरदस्ती बांध दिया मेरे। मुझे यही शक था, तुम दोनों के इरादे ठीक नहीं। लेकिन मैं बूढ़ा पुराने ख्यालात का आदमी हूं। मुझे घर तोड़ने से ज्यादा जोड़ना पसंद है। डैड आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे। वैसे मैं मालिक मुख्तार हूं और अपनी प्रॉपर्टी के बारे में फैसले करने का हक सिर्फ और सिर्फ मैं रखता हूं। लेकिन बड़े छोटों से मशवरा तभी लेते हैं जब वो अकल से बिल्कुल पैदल हो जाते हैं, और मैं मुकम्मल होशो हवास में हूं। डैड को सच बताना ही पड़ेगा। जी राहिला। बिलाल आपको याद है आज अनस का बर्थडे है? बिल्कुल भूल गया। टेंशन इतनी है कोई बात याद ही नहीं रहती। कैसी बातें कर रहे हैं बिलाल, हम कब से वेट कर रहे हैं आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए और आपको याद ही नहीं। सो सॉरी। चलो मैं आता हूँ। अच्छा करते खाने पे बाहर चलते हैं। सही है। अच्छा जल्दी आएगा, मैंने केक बनाया है, आप आएंगे तो हम केक काटेंगे। ठीक है। ठीक है बाबा, आई एम कमिंग। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। बाय। आज पूरा दिन हो गया भाभी घर पर नहीं है और किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। अरे अपने कमरे में होगी। नहीं है वहाँ पर। अच्छा कोई नन्ही बच्ची नहीं है, अपने घर से भाग के यहाँ आ सकती है। अरे सारे जमाने के रस्तों का पता है उसे। अम्मी प्लीज, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं वो कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी। देखो उसे इतना सर पे मत चढ़ाओ,
पीठ में छुरा घोंपेगी। इतनी अपनाइयत अच्छी नहीं होती। अरे दीदो में हवा भरी है क्या? यही कहीं घूम रही होगी, जाओ देखो। अरीबा, 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 मुझे बताओ कि मामी कहाँ? मामी घूम हो गई है क्या? नहीं नहीं, आप मुझे बताओ कि आपने उन्हें आज कहीं देखा? हाँ, मैंने सुबह देखा था उन्हें बाहर जाते हुए। अच्छा, तो फिर वो कहाँ गई वहाँ से? मुझे नहीं पता। इसका मतलब है कि भाभी सुबह ही घर से निकल गए। पता नहीं बेचारी इस हालत में कहाँ भटक रही होंगी। हाँ सानिया। भाई भाभी का कुछ पता नहीं चल रहा। क्या मतलब? कल रात को तुम्हारे साथ थी। मेरे साथ? नहीं भाई, मेरे साथ क्यों सोएंगी भाभी? क्या बोल रही हो तुम? वो रात से गायब है और हमें उसकी फिक्र ही नहीं है। भाई मेरे मना करने के बावजूद आप उनसे मिसबिहेव करने से बाज नहीं आते थे ना। सही कह रही हो तुम, मैंने उससे बहुत बुरा भला कह दिया, लेकिन अब शर्मिंदा होने का क्या फायदा? भाई आप प्लीज कुछ करें, उन्हें ढूंढें, तलाश करें, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हाँ मैं कोशिश करता हूँ, मैं घर ही आ रहा हूँ। भाई घर आने का कोई फायदा नहीं है, आप उन्हें बाहर ढूंढें, बाहर तलाश करें। ये B12 है, राहिला मैडम यही रहती हैं? जी यही रहती हैं। मैं उनकी दोस्त हूँ। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया ना। मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाती हो? मैं असल में जरा थोड़ी बिजी थी। ये अनस है, कितना बड़ा हो गया है, इसका मतलब हम कितने सालों के बाद मिल रहे हैं। हाँ, तुम अंदर आओ, कम इन। हाँ कम। घर काफी अच्छा है तुम्हारा। नाइस इंटीरियर। थैंक्स। आई होप के तुम्हारे हस्बैंड का तेज भी तुम्हारे जैसा हो। वैसे कब आएंगे वो? वो असल में आउट ऑफ कंट्री है, बिजनेस टूर पर गए हैं। ओह, कोई बात नहीं, फिर कभी मिल लूंगी। आज का बाबा नहीं आएंगे? पापा बस अभी आने वाले हैं, उसको मैंने बताया ही नहीं कि वो गए हुए। ओह, वैसे तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे हस्बैंड को नजर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी काफी हैंडसम है। तुम तो मिल चुकी हो ना उनसे, एंड आई थिंक यू लाइक्ड हिम। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। बिल्कुल नहीं, तकल्लुफ नहीं करना प्लीज। फर्स्ट टाइम आई हूँ, कुछ तो लोगे। अच्छा आई जस्ट टेक वन मिनट। अनस आप आंटी के साथ बैठो, मैं भी आती हूँ। अनस कौन सी क्लास में पढ़ते हो? थ्री। थ्री में? आज मेरी बर्थडे है। वाओ, फिर तो मैं केक खा के जाऊंगी। हैप्पी बर्थडे। हाँ हाँ बस आ रहा हूँ यार। बिलाल,
आप प्लीज वापस चले जाएं। क्या हो गया? थोड़ा सा लेट ही हो गया हूं ना, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? आप समझ नहीं रहे हैं समरा, खोज लगाते हुए पता नहीं यहाँ कैसे।